गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक मेन गेट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और मेन गेट का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग मेन गेट की चौड़ाई कितनी रखें उसका कैलकुलेशन करते हैं और मेन गेट का चौड़ाई का निर्धारण नॉर्मली आपके फ्रंट में जो रोड है और आपका जो व्हीकल उसके टर्निंग रेडियस पे डिपेंड करता है। लेकिन आज हम लोग किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग कौन सा थंब रूल यूज करते हैं मेन गेट के चौड़ाई का निर्धारण करने के लिए। मेन गेट के चौड़ाई का निर्धारण करने के लिए जो हम लोग थंब रूल का यूज करते हैं उसमें हम लोग रोड की चौड़ाई और गेट की जो चौड़ाई है उसको जोड़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका सम जो है 24 फीट से कम नहीं होना चाहिए, या तो ये 24 फीट रहना चाहिए या 24 फीट से ऊपर रहे तो और बेटर रहेगा। और इस तरह का अगर आप थंब रूल का यूज करके आप गेट की चौड़ाई को निर्धारित करेंगे तो आपके व्हीकल का जो है इंट्री और एग्जिट पार्किंग में स्मूथली होगा। मान लीजिए कि आपका रोड की जो चौड़ाई है 10 फीट है तो आपको गेट की चौड़ाई 14 फीट प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये जो हम लोग गेट की चौड़ाई की बात कर रहे हैं ये आपकी मिनिमम चौड़ाई है। मैक्सिमम आप जितना भी देंगे उतना आपके व्हीकल का स्मूथ इंट्री और एग्जिट होगा पार्किंग करने के समय में। अगर इसमें आप 12 फीट का रोड की चौड़ाई है तो आपको 12 फीट का मेन गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा और इसी तरह से अगर आप 14 फीट आपके सामने रोड की चौड़ाई है तो आपको 10 फीट का मेन गेट की चौड़ाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर फ्रंट रोड की चौड़ाई आपका 16 फीट है तो आपको 8 फीट का मेन गेट की चौड़ाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।